Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. कौशेय, ये सारी बातें आपस में मिल रही हैं। पेशन गोई सच साबित हो गई। ये उन्हीं अजीम जादूगरों की बेटी है। बाबरा, मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वैसे ही बाल, बात करने का अंदाज भी वही। ये उन्हीं की बेटी है। तो फिर हमें ये करना चाहिए। Magicians and delusionist, talent show बच्चों के लिए। गर्ल्स, तुम्हें पता है मैं भी वहाँ जाने वाली हूँ। मुझे भी इनविटेशन मिला है इसका। तुम्हें ये सब कुछ करने का वक्त कब मिलता है? Hey girls, वहाँ एक लड़का बहुत ही जबरदस्त फायर की ट्रिक सिखा रहा है। चलो जल्दी चलो, चलकर देखें। देखो कितनी जबरदस्त ट्रिक्स हैं। देखने से फायर का रियल मैजिक लग रहा है। तुम लोग इसे मैजिक कहती हो? मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। सब लोग हट जाओ रास्ते से। ओह, अजीब इत्तेफाक है। तुम्हारे यहाँ आते ही मेरे हाथ में जो कुछ था वो सब चल गया। लुइस एलेक्स। और अब हो जाओगे लूजर एलेक्स। पहले देखो और सीखो कि कैसे करते हैं मैजिक। हेलेना, ऐसा मत करो। क्या तुम रूल्स भूल गई हो? तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए बेबी, बट उदास मत हो। ये लो तुम्हारी कैंडी। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किससे उलझ रहे हो लूजर एलेक्स? वापस दो मुझे। पहले खुद पे थोड़ा कंट्रोल करो, फिर ले लेना मुझसे। चलो अब टेस्ट के लिए देर हो रही है। ओह, तो तुम हो जो लड़कियों का पीछा करते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है तुम यहाँ नए आए हो। मेरा नाम कौडी है। एलेक्स, अच्छा ये बताओ कि ये लाल बालों वाली लड़की हमेशा ऐसी हरकतें करती है? तुम्हें भी वो अजीब लगी ना? मैं तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। चलो चलते हैं, केमिस्ट्री की टीचर को लेट आने वाले पसंद नहीं है। ओके। ये ज्यादती है, इतनी लापरवाही। कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है जबकि फैंटम खुलेआम घूम रहा है। वो यकीनन वहाँ आएगा। ये नहीं, मुझे इस बार स्पेशल हथियार चाहिए। इस टैलेंट शो में जाना होगा मुझे। नहीं नहीं, ये सब बेकार है। मेरे ख्याल से मुझे भेस बदल कर जाना चाहिए वहाँ। ये क्या है? That's perfect. मैं बिल्कुल यही चाह रहा था। मैं ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करता कॉडी। यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ। तुम नहीं जानते वो क्या क्या कर सकती हैं। आंधी ला सकती हैं, फ्रीज कर सकती हैं और जला भी देती हैं। वो लोग यकीनन एलियंस हैं। कॉडी, एलियंस असल में नहीं होते। होते हैं और वो लड़कियाँ एलियंस ही हैं। उनके खिलाफ मैंने एक टीम बनाई है, हीरोज ऑफ अर्थ। तुम ज्वाइन करोगे? ठीक है, मैं ज्वाइन करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी होगी। आज शाम का क्या प्लान है तुम्हारा? प्लीज
वेलकम। नेक्स्ट परफॉर्मर जो स्टेज पर आ रहा है कौन? एलेक्स लुइस, अ फेमस म्यूजिशियन। आखिर इस लूजर को किसने बुलाया है शो पे? हाँ, आज से पहले इसे कभी इस टाउन में नहीं देखा। काश इस वक्त मेरे पास मेरा प्रोफेसी स्टोन होता। तुम लोगों को लगता है ये मैजिशियन है? ओह दैट्स इट, ये है फैंटम। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस बॉक्स में छुप जाता हूँ ताकि पकड़ने में आसानी हो। नॉट बैड, मुझे तो अच्छी लगी इसकी परफॉर्मेंस। फैसला करने में जल्दी मत करो कुशाय, हेलेना की परफॉर्मेंस अभी बाकी है। अब तुम्हारी बारी है, घबराना मत। हेलेना तुम बहुत अच्छा करोगी। मैरी, तुम्हारा पर्स यहीं रह गया। हो What a surprise! आपकी शहजादी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन एक बात जान लो, जीत मेरी ही होगी। तू तो देखा जाएगा, loser. Heroes of Earth. देख लेना, जीत मेरी होगी। Blah 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 blah. Magic क्या होता है? अब पता चलेगा। अब हम वेलकम करते हैं हमारे स्पेशल परफॉर्मर को, हमारी हर दिल अजीज बहुत मशहूर हेलेना को। हेलेना ने ब्रेसलेट पहना हुआ है। ओह, वो तो मैंने पर्स में रखा था और वो मैं बैक स्टेज भूल गई। ओह, पता नहीं अब क्या होने वाला है। एक सपना, फूलों से सजा हुआ था घर अपना, प्यार करने वाले कई दोस्त थे जहाँ, दोस्ती है क्या ये जाना वहाँ, वो आपने वादा रहा, टूटे ना दिल किसी का यहाँ, इसका हक चुकाना है, दिल से इसको निभा। दोस्ती के बीच आया, उससे निमटना हमें आता है। इजी ना लेना, अब याद रखना, जो भी हो फिर हमसे ना कहना। डरते नहीं हम किसी से, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, जला देंगे तुम्हारा घमंड, लगा देंगे हम ऐसी आग। ऐसी आग। फैंटेसी पेट्रोल। Helena, we got you back. ठीक है, तुम जीत गए। प्लीज हमें माफ कर दें, हमने रूल्स तोड़े। बिल्कुल, हमने अपना मैजिक यूज किया। इसमें इनका कोई कसूर नहीं, मेरी गलती है। हाँ, इस पर बाद में बात करेंगे। तुम जानती हो ये क्या है? ये एक मैजिक ब्रेसलेट है। ये एक मैजिक ब्रेसलेट से कहीं ज्यादा है हेलेना। ये की ऑफ फायर है। ये उन कदीम कीज में से एक है जिससे जादुई दुनिया का दरवाजा खुलेगा। सिर्फ चंद ही लोगों के पास ताकत है इसको संभालने की।
और वो हैं ग्रेट मैजिशियंस की जनरेशन से। तो इसका मतलब मैं उन्हीं अजीम जादूगरों की बेटी हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं कहाँ? तुम्हारे पेरेंट्स उस जादुई दुनिया में हैं और वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, बाकी तीन कीज हासिल करना। तुम एक जबरदस्त टीम हो, तुम लोग ये कर सकती हो। मैं और कोशें हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। खामोश। एलेक्स, तुमने देखा टैलेंट शो में क्या हुआ? अब तो यकीन आ गया ना कि वो लड़कियां एलियंस हैं? नो कोडी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो एलियंस हैं। हाँ? वो लड़कियां 100% रियल विचेस हैं। खुशियां बांटूं लोगों में ये मेरा काम, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरूं सुबह शाम, फैंटेसी पेट्रोल तुम ही से है। बताओ मुझे, मिरर ना खत्म होने वाली ताकत कैसे हासिल करूं मैं? तुम्हें अपनी लालच और हसद को कम करना होगा। इस आग ने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। कौन है वहां? रिलेटिव्स हैं, वो मेरी सेकंड कजन है। लेकिन जब वो लोग दरवाजा बंद कर रहे थे, तब तुम्हारी मॉम ने फैसला किया फेरी टेल वर्ल्ड में रहने का, और मैं यहीं रुक गई। मिस यागट, क्या आप बताएंगी? आप वो ही है ना जिसने पोर्टल की कीज छुपाई है? हाँ, वो मैं ही हूँ। मैंने 4 मैजिक स्पेल्स को कुछ इस तरह मिलाया है कि चाहे 300 साल तक भी कोशिश कर लो, उसे तोड़ नहीं पाओगे। दैट्स कूल, लेकिन हम वो कीज कैसे ढूंढेंगे? हेलो, इसीलिए तो तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। इसका एक ही रास्ता है। द की ऑफ वॉटर बंद है ऐसी तिजोरी में जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, और उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है, और वो जाहिर होगी किसी बड़ी ताकत के सामने। हाँ, ये तो एक पहेली है। हाँ? हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? फैंटेसी पेट्रोल। हेलो, हमें सीक्रेट चैम्बर तक ले जाओ, हमें मैजिकल बुक चाहिए। तो तुम लोगों को मैजिकल बुक क्यों चाहिए? मिस यॉगेट ने कहा है कि उस बुक में कुछ ऐसे क्लूज हैं जिसके जरिए हम उस पोर्टल की चाबियों तक पहुंच सकते हैं। चाबियां? तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकती। यहाँ से अब हम लोग नीचे जाएंगे। इसी को तो कहते हैं लाइब्रेरी। इट्स वेरी अनयूजुअल। यहाँ एक मैजिकल कैसल हुआ करता था, और नीचे एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है, इसीलिए साथ रहना, वरना आसानी से खो सकती हूँ। हाँ? वाह,
एंट्री 112। हम लाइब्रेरी की बेसमेंट में जा रहे हैं। ये वाकई बेसमेंट है। ओह गर्ल, मैं सीक्रेट चैम्बर की कीज लाना भूल गया। यही वेट करो, मैं आता हूँ फौरन। हे गर्ल्स, यहाँ देखो, ये सब फेरी टेल्स हैं और ये जिंजर ब्रेडमैन, और ये है अलीबाबा 40 चोर, और ये है बाबा यागा, मेरा मतलब है मिस यागर्ड। हेलेना, लाइट इधर लाओ। कितना अंधेरा है यहाँ। ओह हाँ, तो फिर मैं जाती हूँ अंदर पहले। हे गर्ल्स, वो दरवाजा बंद हो गया। अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? Hey, अभी फौरन जल्दी खुल जाओ। Girls, come here. ये तो 33 नाइट्स हैं। और ये कौन है? ये यकीनन होगा टर्नमोर, इन सब का चीफ। Listen girls, मैं गायब होकर वहाँ चली जाती हूँ। हो सकता है कि वहाँ कोई रास्ता हो। ये क्या हो रहा है? मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। कोई है जो मुझे रोक रहा है। गर्ल्स, तुम लोग भी ट्राई करो। मुझे तुम्हें किसी और जगह छुपाना होगा। Well, हम फंस चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ये सब इसकी वजह से, यही हमें जाने नहीं दे रहा। तुम बड़े से सिद्धि पत्थर, रुको एक मिनट। बहुत खूब। मैरी, वहाँ देखो, वो अल्फाज जगमगा रहे हैं। ओके, मेरा ख्याल ही पुरानी फेरी टेल लैंग्वेज है। कोशिश करती हूँ पढ़ने की। ओके, समंदर, ऊंची लहरें, और लिखा है 30 नाइट्स और 3। इसका मतलब नहीं बनता। इसमें कोई मुश्किल नहीं, ये पुष्किन है, हमने स्कूल में पढ़ा था। क्या था वो? मैं जानती हूँ एक बेहतर अजूबा। समंदरों के तूफान का है वो नमूना, करता है वो ऐसा शोर, और बहाव है उसका बहुत पुरसोर। वो चीज है शानदार, 30 नाइट्स और इनके हथियार शानदार। ओह माय गुडनेस, ग्रेट जॉब पुष्किन। तो क्या ये भी हमारे फेरी टेल वर्ल्ड का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, ये फेरी टेल कीपर हुआ करते थे। स्नोई, हेलेना, इस तरफ आओ। आई होप ये कोई ट्रैप ना हो। कुछ देर अब यही रुको। एंट्री 113। लगता है हमें मिल गया है फेरी टेल्स का खजाना। हे गर्ल्स, देखो मुझे, मैं रियल स्नो क्वीन लग रही हूँ, है ना? हे गर्ल्स, हाउ डू आई लुक? प्रिंसेस और ड्रैगन किंग और क्वीन और यू आर सो ब्यूटीफुल। और मैं हूँ ब्रेव हार्ट और नोबल नाइट, और मैं तुम लोगों की मॉन्स्टर से हिफाजत करने आई हूँ। गर्ल्स, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। चलो सब एक साथ खड़े हो जाओ, मैं सबकी पिक्चर्स लेती हूँ। मैरी, तुम पहले के साथ खड़ी हो जाओ। ओके, अब तक करीब करीब हो जाओ। स्नो, एक पिक्चर और। आई थिंक आई ब्लिंक्ड। क्या तुम लोगों को पता है, यहाँ एक ड्रैगन है। What a shield! ये रास्ता तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? Mary, वहाँ देखो क्रैक। Helena, Snowy, ड्रैगन को वहीं उलझाए रखो। इतनी सी बात, एक बड़ा सा ड्रैगन जो आग उगल रहा है, उसे रोक कर रख।
जरूर वेलरी, कोई मसला ही नहीं। स्नोई, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, बड़ी चपकली। खामोश, कुछ सुना? नो 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 नो, ये सब क्या हो रहा है? जॉनी, तुम लोग कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम लोगों को? बस ऐसे ही ड्रैगन का शिकार कर रहे थे। चलो अब जल्दी, सीक्रेट चैम्बर उस तरफ है। ये रहा सीक्रेट चैम्बर, तुम लोग जाओ, मैं जब तक कोई निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। जिस लिफ्ट से हम आए थे वो खराब हो गई है। ये रही The magical book of fairy tales. Watch out! Girls, ये क्या हुआ था अभी? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो phantom था। La 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 la. Miss Albert, phantom ने उसने magical book चुरा ली। ओह, बहुत बुरा हुआ। अब तो चाबियां तलाश करना और भी मुश्किल हो गया। हम हार गए। हेलेना, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? ओह, ये तो एक गिफ्ट है जो लाइब्रेरी बेसमेंट से मिला है। देखो गर्ल्स, ये है मिरर ऑफ प्रोफेसी। इसको हर दास पता है। अब हमारे पास चाबियां ढूंढने का मौका है। जिसको इंसान ने बंद किया है, वो खुद को उसके सामने जाहिर करेगा जो उसकी ताकत की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। एक तिजोरी। एक तिजोरी? लेकिन वो तिजोरी हमें मिलेगी कहाँ? एक चमकता हुआ पिलर जो न जाने कहाँ से आया है, निकलता है इसमें से कुछ जो न जाने कहाँ जा रहा है। अपने हाथों से तुम उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो डरता है बर्फ से। हमें एक और पहेली मिल गई। और मुझे लगा था कि मिरर हमें सीधा सीधा बता देगा कि कीज कहाँ है। आई थिंक हमें एंटीक स्टोर जाना चाहिए, वहाँ हर तरह का सामान मिल जाता है। hey, hey, hey! मैजिकल कॉलेज की एक एनुअल पार्टी होने वाली है, जिसमें होगा कॉस्ट्यूम और डांस कॉम्पिटिशन। अच्छे से तैयारी करना। मैजिशियंस की एक पार्टी कितनी शानदार होगी। hey, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? प्लीज प्लीज। हाँ, तुम आ सकती हो। हमें कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करना होगा। गर्ल्स, क्या तुम लोगों को याद है हमारी ग्रेजुएशन की पार्टी? हमारी अवन रेस हुई थी, कितना मजा आया था। और मैरी तो अवन से गिर भी गई थी। और याद है कि हम सब ने फैसला किया था कि हम पेरिस के कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे, मगर मैरी ने ट्री का कॉस्ट्यूम पहना था।
वो एक जंगल की क्वीन का कॉस्ट्यूम था। और याद है हमारी सीक्रेट ग्रेडिंग क्या थी? हम सबने डांस किया था, जंप टर्न क्लैप। दैट्स राइट। और तुम्हें याद है मैरी हमेशा टर्न होते हुए गिर जाती थी। वेरी फनी। कम ऑन मैरी, कितना मजा आया था। अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती उस पार्टी में। तुम लोगों के पास कुछ ऐसा है जो मुझ पर सूट करे, जैसे फीनिक्स या कुछ और? हाँ। मैरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं स्टोर जा रही हूँ तिजोरी ढूंढने के लिए। शायद तेरे वापस आने तक तुम लोग ड्रेस सेलेक्ट कर लो। गेट आउट। आओ अंदर आओ। तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? हमेशा की तरह शहर को बचा रही होगी। नहीं, वो इस वक्त एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही हैं और मैं ड्रेस लेने आई हूँ। मेरे पास एक ड्रेस है जो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, पर मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई। कम ऑन, देखो तो जरा, इसे पहनकर डांसिंग क्वीन लगोगी। मैं तिजोरी के बारे में पूछने आई थी। तिजोरी? तिजोरियाँ तो बहुत है, मैं भी लेकर आता हूँ। जब तक तुम ये ड्रेस पहन कर देखो, फ्री है तुम्हारे लिए। और इस तरह मैरी को एक नया ड्रेस मिल गया। ओके, अब इसे ट्राई करती हूँ। फीनिक्स कॉस्ट्यूम। और हेड का क्या ख्याल है? इसके साथ फेरी हेड होनी चाहिए। हेलेना, हेड तो नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी ग्रैंडमा के पास ऐसी हेड जरूर होगी। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैं बस अभी गई अभी है। तुम लोग यहीं रहना। मैरी, काफी जल्दी आ गई। हेलेना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला है, मेरे साथ चलो। और बाकी गर्ल्स का क्या? जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। Hey, little dumb, तुम्हें याद है फाउंटेन पार्क के पास मैजिकल कॉलेज की होम पार्टी होने वाली है? याद है मुझे। हम वहाँ जाएंगे। लाइब्रेरी। चलो, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैरी, तुम क्या कर रही हो? थोड़ा सबर करो हेलेना। तो आखिर तुम्हें क्या पता चला है? वीनस इन क्यूरियस मार्स पे चौथे सैयारे में जा रहा है। सब ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? ये देखो, ये कदीम जबान है और ये लिखा क्या है हमें किसी तरह भी समझना होगा। और इसके लिए तुम्हारा ब्रेसलेट चाहिए। हमारा डांस सबसे अच्छा होने वाला है। मेरा ब्रेसलेट, लेकिन क्यों? क्योंकि ये की है, इस कोड की। इसके जरिए हम प्रोफेसी को पढ़कर तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंच सकेंगे। वाकई? ठीक है, तो फिर ये लो। वंडरफुल। अब तुम मुझे थर्ड शेल्फ में रखी हुई वो बुक ला कर दो। कौन सी बुक? क्या इतनी भारी? कितना क्यूट फ्रॉगी है, इतना छोटा सा और प्यारा सा। That's strange. ये आया कहाँ से? तुम हमारी ऑडियंस हो, अब इसको बंद मत करना। कम ऑन फ्रॉगी, ये तुम क्या कर रहे हो? आई एम मैरी, मुझे जादू से मेंढक बना दिया गया है, प्लीज मेरी मदद करो। मैरी? मैरी, क्या ये तुम हो? वापस तुम्हें ठीक करें, लेकिन कैसे? स्नोवी, क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी? मैरी को दोबारा इंसान बनने के लिए प्रिंस से मिलना होगा, लेकिन अब प्रिंस कहाँ से आएगा? Hey girl, I'm Penny. मेरा कॉस्ट्यूम कैसा लगा? Just perfect. आ गया हमारा प्रिंस सब ठीक करने। मेरे ख्याल से इस काम के लिए ये सब कुछ कम नहीं। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये मैरी है हमारी दोस्त। All right, deal done. Wait. ये वाकई में मैरी है ना, या फिर कोई गंदा सा मेंढक? हुर्रे, ये काम कर गया। मैरी, क्या हुआ था? ये पहनने के बाद मैं उसके जाल में फंस गई और
मेंढक बन गई। मैं बाद में बताती हूँ। गर्ल्स, हेलेना खतरे में है। मेरी, मेरी मदद करो, मैं यहाँ इस पिंजरे में फंस गई हूँ। बेवकूफ, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ? कि अब मेरे पास है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं सिवाय इस पिंजरे के। राइट ऑन टाइम। हम ये ले जाने नहीं देंगे फैंटम। और हम तुमसे नहीं डरते क्योंकि हम हैं फैंटेसी पेट्रोल। तुम लोग मुझे क्या नुकसान पहुंचाओगे फैंटेसी पेट्रोल? गर्ल्स के आज का दिन बहुत अमेजिंग था और डांस में तो बहुत ही मजा आया। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया, चमकता हुआ पिलर ना जाने कहाँ से आया। जो डरता है बर्फ से ना जाने। स्नोई, क्या ये तुमने किया है? नहीं, ये मैंने नहीं किया। लगता है मुझे समझ आ गया, एक चमकता पिलर, वो ये है फाउंटेन।